ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन आज यानी कि 16 नवंबर को वो 12 साल की हो चुकी थी। जी हाँ, आराध्या का जन्म 2011 में मुंबई में हुआ था। आपको बता दें कि आराध्या की गिनती बॉलीवुड के सुपरस्टार किड्स में की जाती है। वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं और अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ ही नजर आती हैं। क्यूटनेस में वो बाकी स्टार किड्स को भी मात दे देती हैं। बता दें कि 11-12 साल की आराध्या हाइट के मामले में भी अपनी मम्मी को टक्कर देने लगी है। बॉलीवुड की सबसे क्यूट कपल में से एक ऐश्वर्या और अभिषेक की जोड़ी है। दोनों की लव स्टोरी फिल्म के सेट से शुरू हुई थी, जिसके बाद दोनों ने पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया, जिसमें कि ढाई अक्षर प्रेम के गुरु और रावण जैसी फिल्में हैं। शादी के बाद दोनों की पहली फिल्म रावण थी, जिसे मणिरत्नम ने निर्देशित किया था। फिल्म में दोनों के एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया, लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद ऐसी भी खबरें फैली कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार फिर अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच झगड़े की खबर आई है और इसकी वजह उनकी बेटी आराध्या बनी है। जी हाँ, दरअसल अभिषेक चाहते हैं कि आराध्या चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करें, तो वहीं उनकी बेटी यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बड़ी होकर एक बड़ी हीरोइन बने, लेकिन उल्टा है। ऐश्वर्या चाहती है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे, फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे, लाइमलाइट से दूर रहे, और वो आराध्या पर अभी कोई प्रेशर नहीं देना चाहती और उन्हें लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं। लेकिन अभिषेक ऐश की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और उनसे नाराज़ हैं। आपके इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।